हेलो साथियों, आप कैसे हो? ठीक तो हो ना? परम पिता परमेश्वर से मेरी कामना है कि आप सभी ठीक प्रकार से हों। मैं भी ठीक प्रकार से हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो प्रिय साथियों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक मेरे प्रिय साथियों बहुत ही अच्छा है। टॉपिक का नाम है श्री कृष्ण का शक्तिशाली पुत्र साम, जिससे देवता भी डरते थे। क्या कृष्ण का पुत्र साम दुष्ट था? आज का टॉपिक ये है, या यूं कह लीजिए कि श्री कृष्ण जी को तीन श्राप मिली थी। वो कौन कौन से थी, मैं आपको उन पर थोड़ी नजर डालता हूं। मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहला श्राप श्री कृष्ण जी को रामायण काल में, जब वे श्री राम थे, बाली की पत्नी ने दिया था। बाली ने जबरन अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखा था, उस पर बुरी नीयत डालकर उसे अपनी पत्नी बना लिया था। बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाले की आधी ताकत बाली के अंदर आ जाती थी, इसलिए उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। बाली बहुत शक्तिशाली था। श्री राम की पत्नी श्री माता सीता का हरण हो गया था, रावण उसे हर कर ले गया था। श्री राम पत्नी को खोजते खोजते वन में भटक रहे थे। उस समय हनुमान जी से श्री राम की भेंट हुई और हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली के बारे में बताया था। श्री राम ने बलशाली बाली से दोस्ती नहीं की, सुग्रीव से दोस्ती की, क्योंकि श्री राम जानते थे कि बाली दुष्ट है, अधर्मी है। श्री राम ने बाली को समझाया था, छोटे भाई की पत्नी बहन पुत्र की पत्नी या कन्या, ये चारों एक समान हैं। इन पर बुरी नजर डालने वाले का बुरा हश्र होता है, उसको मारने में भी, उसको उसकी हत्या करने में भी पाप नहीं लगता। चूंकि बाली बहुत बलशाली था, जब जब भी कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, यकीन करो साथियों, उसका सर्वनाश निश्चित है। इसलिए सबसे बड़ा है धर्म, सत्य। धर्म ही शक्ति है। अगर आपने यह धर्म किया है तो आप कितने भी शक्तिशाली हैं नहीं बच पाएंगे।
तब श्री राम ने छुपकर बाली को मारा था। इतने में बाली की पत्नी तारा ने श्री राम को श्राप दिया था। कि आपकी मृत्यु भी ऐसे ही छुपकर होगी। राम अगले जन्म में राम द्वापर युग में श्री कृष्ण बने थे। एक श्राप तो ये था श्री कृष्ण जी को। दूसरे श्राप पे मैं आपको नजर डालता हूँ, थोड़ा प्रकाश डालता हूँ। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, अंत में श्री कृष्ण जी को गांधारी ने श्राप दिया था कि मैं गांधारी तुम्हें श्राप देती हूं, जिस प्रकार श्री कृष्ण तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी अंत होगा। तुम्हारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर मर जाएगा। तब श्री कृष्ण जी ने गांधारी से कहा था, मैंने कहा था गांधारी नंदिनी से कि श्राप नहीं, पाप मनुष्यों के नाश का कारण बनता है। आज यादवों का नाश उनके पाप का कारण बनेंगे। मनुष्य का विनाश उसके पाप कर्म होते हैं, यही नियति है। दूसरा श्राप ये था श्री कृष्ण जी को। और तीसरा श्राप इस टॉपिक में जो ये वीडियो बन रही है उसमें आएगा। जब जब महाभारत का नाम लिया जाता है, तब तब सबसे पहले श्री कृष्ण का नाम अवश्य आता है। अवश्य भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, और यहाँ तक कि वह 16 कलाओं में महारथ हासिल कर चुके थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जो भगवान श्री कृष्ण ही जैसा 16 कलाओं में माहिर था और श्री कृष्ण जैसा ही सुंदर था। श्री कृष्ण जितना ताकतवर था, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र श्याम की। तो चलते हैं, जानते हैं कि श्याम कितना शक्तिशाली था और उसने किन किन राजाओं को और असुरों को हराया था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी, उनमें से एक थी जामवंती, जिनके पुत्र थे स्वयं श्याम। वही श्री कृष्ण की अन्य पतियों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया था। वहीं दूसरी ओर जामवंती ने किसी भी पुत्र को जन्म नहीं दिया था।
इस बात से दुखी होकर श्री कृष्ण जी के पास पहुंची और बोली, आपकी सभी पत्नियों के पुत्र पुत्रियों का जन्म हुआ है, लेकिन मैं क्यों अभागी रही। मैं आपसे एक पुत्र का अनुरोध करती हूं। अपनी पत्नी का दुख देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने ऋषि अभिमन्यु के आश्रम में गए और उनकी सलाह के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या में लग गए। 6 महीने तपस्या करने के बाद शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने पुत्र प्राप्ति की कामना की। श्री कृष्ण जी ने उनसे विनती की और पुत्र प्राप्ति की मनोकामना मांगी। कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र श्याम बिल्कुल शिव जैसा हो। जैसे ही हम सब जानते हैं, भगवान शिव का मुख्य कार्य विनाश करना है, विनाश पाप युग का विनाश। उनके आशीर्वाद से जल्द ही जामवंती को एक बेटा पैदा हुआ, क्योंकि शिव के अर्धनारीश्वर रूप को श्याम भी कहा जाता है, इसलिए जामवंती के पुत्र का नाम श्याम रखा गया। कहा जाता है कि श्याम अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के जैसा अत्यंत सुंदर था, खूबसूरत था। श्री कृष्ण की तरह बेहद सुंदर था। उनकी खूबसूरती की दीवानी दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा भी हो गई थी। पराक्रमी श्याम ने भरी सभा में लक्ष्मणा को भगा कर ले गए थे और महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 4 में पधुयुमन श्याम साध्वी और निरुद्ध में के साथ रहकर धनुर्विद्या सीखी थी सामने, और अपने भाई पद्युमन की तरह ही उन्हें भी मायावी शक्तियों का ज्ञान था। वही बात की जाए श्याम के बल की। श्याम ने बालक अवस्था में ही शमशासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। श्याम ने महाभारत के युद्ध में कितनी ही सेनाओं को चटनी चटाई थी, कितनी ही सेनाओं का नरसंहार कर दिया था। जब श्याम ने अपनी विशाल सेना सहित द्वारिका पर आक्रमण किया, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। तब श्याम ने साल्व के मंत्रियों और सेनापतियों सबको युद्ध में परास्त किया था। कहा जाता है कि श्याम का जन्म ही द्वारिका के अंत के लिए हुआ था, और यह बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद
एक दिन द्वारिका में महर्षि विश्वामित्र करणियु देव ऋषि नारद द्वारिका में भ्रमण करने आए हुए थे। वहां स्वयं शाम और शाम के मित्र मदरा के नशे में धुत थे, तो उन्होंने शाम को एक स्त्री का रूप धारण किया, क्योंकि शाम श्री कृष्ण की तरह बहुत सुंदर थे और शाम के सभी दोस्तों ने शाम जो स्त्री के रूप में थी उसको उन ऋषियों के सामने पेश किया और ऋषियों से कहा, उनकी मजाक उड़ाई, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री भेष में ऋषियों के पास ले गए और कहा, यह स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा, लड़का या लड़की। ऋषि मुनि जान गए थे कि यह बच्चा उसका उपहास उड़ा रहा है, उसका अपमान कर रहा है। क्रोधित होकर ऋषियों ने शाम को श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र समस्त यदुवंशियों का नाश करने के लिए एक लोहे की मुसली उत्पन्न करेगा। ऋषि मुनि के श्राप के प्रभाव से एक सप्ताह के अंदर शाम को मूसल उत्पन्न हुआ। ऋषि मुनियों ने शाम से कहा, उसके साथियों से कहा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर अहंकारी दुष्ट अपने ही समस्त कुल का नरसंहार करोगी, श्री कृष्ण और बलराम इस मूसल से बचे रहेंगे, उन पर इस मूसल का असर नहीं होगा। जिसके भी एक मूसल पड़ेगा वो एक ही मूसल में मृत्युलोक सिधार जाएगा, ऐसा अभिशाप उन तीन ऋषियों ने शाम को दिया। महाराजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया था, जो शाम को एक सप्ताह के अंदर उत्पन्न हुआ था। लेकिन जो होना है वो होकर ही रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इस समय ग्रहों का वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के समय में बन रहा था। श्री कृष्ण जी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने सोचा, माता गांधारी का श्राप का सत्य होने का समय आ गया है। द्वारिका में पाप बढ़ने लगा है और ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को छोड़कर चले गए और वहीं बलराम जी ने समाधि ले ली। कहते हैं जब राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया था तो उस मूसल को एक मछली ने निगल लिया था और उसके पेट में वह मूसल धातु बन गया था। उस मछली का शिकार एक बहेली ने किया और मछली के पेट से वह धातु निकला।
जिससे वो तीर बना और उसी तीर से ही भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार का अंत हुआ। वापस जाकर भगवान श्री कृष्ण विष्णु में विलीन हो गए। उधर द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई और सभी यदुवंशियों ने एक दूसरे का विनाश किया। तो ये तीन श्राप थे जो श्री कृष्ण के मृत्यु का कारण बने। तो मेरे प्रिय साथियों, कभी भी किसी के साथ अधर्म ना करें, गलत ना करें। किसी के पेट की हाय से निकली हुई बद्दुआ कभी बेकार नहीं जाती। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। जो कर्म करोगे, छोटा या बड़ा, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, पाप कर्म करोगे तो सर्वनाश होगा, उसका पाप ही मिलेगा। इसलिए हमेशा किसी के साथ बुरा ना करें। भगवान ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, हमेशा न्याय किया था। क्योंकि जिस मकसद से भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था, इस पृथ्वी पर आए थे, उनका वो कार्य पूर्ण हो चुका था। महाभारत में सारे पापियों का अंत कर चुके थे और दूसरा महाभारत उन्होंने स्वयं अपनी द्वारिका नगरी में पापी यादवों का अंत करके समाप्त किया। जब उनका काम समाप्त हो गया तो वो बैकुंठ धाम चले गए। उन्होंने ये उपदेश भी दिया था, जगह जगह कहा था कि श्राप कभी किसी का अंत नहीं करता। मनुष्य को उसके पाप कर्म ही मनुष्य का सर्वनाश करते हैं, यही तो नियति है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की वीडियो यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए नमस्कार। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपका प्यार मुझे मिलता रहे, मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, मैं सच्ची सच्ची कहानियां आपको लाता रहूं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों।